हेलो दोस्तों, तो कैसे हो आप सभी। स्वागत है आपका हमारे चैनल एनिमे वर्ल्ड हिंदी पे। तो दोस्तों, आज मैं आपको एक ऐसे एनिमे के बारे में बताने वाला हूँ जिसे सुनकर आप थोड़ा इमोशनल भी हो सकते हो। तो दोस्तों, अगर आप लेट 90 में पैदा हुए तो बहुत चांस है कि आपने बेबलेट का नाम तो सुना ही होगा। इस एनिमे क्रेज हमारे टाइम में बहुत ज्यादा था। मुझे वो तो नहीं याद है कि ये एनिमे कौन से चैनल पे आता था, लेकिन कौन से टाइम पे आता था ये जरूर याद है। बेबलेट की 1 या 1:30 के बीच शुरू होता था। मुझे याद है जब मैं स्कूल से 12:30 को छुट्टा था, मैं भागकर अपने घर आता था बेबलेट को देखने, और साथ ही ये एनिमे शाम को 5:30 को भी आता था। तो मुझे तो यही टाइम लग रहा है। अगर मैं रॉन्ग टाइम बोल रहा हूँ तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए कि बेबलेट कौन से टाइम पे आता था। इस वीडियो को जितने भी लोग देख रहे हैं उसमें से मैक्सिमम लोगों ने बेबलेट टॉय तो अपने टाइम पे लिया ही होगा, क्योंकि उस टाइम पे बेबलेट और शायद डोरेमोन ही फेमस थे। तो डोरेमोन का गैजेट तो हम लोग खरीद नहीं सकते, इसलिए हम लोग ये बेबलेट टॉय खरीदते थे। वो स्कूल में बेबलेट टॉय छुपा के लेकर जाना, रिसेस में उसको बाहर निकाल कर बेंच पे जोर से चक्कर दे टक्कर चिल्ला कर बेबलेट को नचाना, और घर पे आकर बेबलेट को देखना। अब कहाँ देखने को मिलता है ये सब, और हमारा फेवरेट एनिमे बेबलेट कहाँ गया, क्यों ये फ्लॉप हुआ, आज इसी चीज को जानने वाले हैं हम इस वीडियो में। अगर वीडियो का टॉपिक अच्छा लगा तो वीडियो कर देना लाइक, और चैनल पर नए हो तो चैनल को जा सब्सक्राइब। तो दोस्तों, इस एनिमे को टाइसन नाम के लड़के से दर्शाया गया था। उसको भी आम बच्चों की तरह बेबलेट से खेलने में बहुत शौक था। अब देखो, टाइसन का सपना था कि वो दूसरे शहर में जाकर बेबलेट के टूर्नामेंट को जीते, लेकिन अचानक उसके शहर में एक चोर आता है और सभी बेबलेटर को हराकर उनके बेबलेट चुरा लेता है। अब टाइसन उस चोर को चैलेंज देता है और कड़ी मेहनत करके उसे हरा देता है, लेकिन वो अपनी जीत की खुशी मना ही रहा था तभी उधर काय आ जाता है। अब मुझे ये कैरेक्टर बहुत स्ट्रांग लगता है, क्योंकि काय के बेबलेट में एक तरह का स्पिरिचुअल बीस्ट था जो कि उसके बेबलेट को बहुत पावरफुल नेचुरल शक्तियां देता है। अब ऐसा पावरफुल बेबलेट रखकर काय टाइसन के बेबलेट को पूरी तरीके से तोड़ देता है, लेकिन फिर भी टाइसन हार नहीं मानता है और खुद से एक बेबलेट बनाता है और उसके अंदर अपने फैमिली का सुपर नेचुरल बीस्ट ड्रैगन को डाल देता है। अब यहाँ से टाइसन की कहानी आगे बढ़ती है और वो अपने इस सफर में कई सारे दोस्त भी बनाते हैं, जैसे कि मैक्स और रे। और फिर टाइसन, मैक्स, रे और काय अपनी एक टीम बना लेते हैं और दूसरे शहर में जाकर वर्ल्ड बेबलेट चैंपियनशिप में हिस्सा लेते हैं। अब दोस्तों, इसके बाद कई बेबलेट की सीरीज बनी, लेकिन ये पहला ऐसा सीरीज था कि इंडिया के हर एक बच्चों का ध्यान अपने तरफ खींच लिया। अब उस टाइम पे बेबलेट का इतना क्रेज था कि बच्चे लोग स्कूल में पोकेमोन के एश और ब्रॉक का नाम छोड़ के सब लोग खाली टाइसन, मैक्स, रे और काय कहते फिरते थे। अब इसमें कंपनी को भी बहुत फायदा होता था, बेबलेट दिखाकर और बेबलेट के टॉय बेचकर वो लोग खूब सारे पैसे छापते थे। लेकिन कंपनी वालों ने देखा कि बेबलेट के टॉय खरीदने वाले और बेबलेट को देखने वाले मैक्सिमम बच्चे लोग ही थे। बेबलेट के मेकर्स ने सोचा कि हम इस एनिमे को एडल्ट में भी फेमस करेंगे, तो उन लोगों ने बेबलेट की 2-3 और नई सीरीज बनाई। अब देखो, इस नई सीरीज को एक्सेप्ट करना बहुत मुश्किल हो रहा था, सिमिलर लाइक न्यू टारक मेहता और ओल्ड टारक मेहता। लेकिन फिर भी बेबलेट की मेटल सीरीज को काफी प्यार मिला, भले ही उसमें सारे कैरेक्टर नए थे लेकिन फिर भी उसे पसंद किया जा सकता था। लेकिन उसके बाद बेबलेट के मेकर ने बहुत बड़ी गलती कर दी। उन्होंने सोचा कि ये नई जनरेशन की बेबलेट बहुत चल रही है, तो क्यों ना हम हर बार नई जनरेशन की बेबलेट की कहानी दिखाई जाए। अब एक बार फिर बेबलेट की नई सीरीज बेबलेट शोगुन स्टील को रिलीज किया, जिसे दुनिया भर में हिट मिला। इस सीरीज के कैरेक्टर से लेकर स्टोरी लाइन सभी घटिया थी और इंडिया के हर एक बच्चे इसे हिट करने लगे। इसके बाद भी बेबलेट के मेकर्स को गलती नजर नहीं आ रही थी और उन लोगों ने और कई सारे बेबलेट के सीरीज को लॉन्च किया, जैसे कि बेबलेट बस्ट इवोल्यूशन, बेबलेट बस्ट और बेबलेट बस्ट टर्बो। ये सभी बहुत बुरी तरह फ्लॉप हुआ और इसके बाद जब तक बेबलेट के मेकर बेबलेट को राइज करते तब तक सब कुछ खत्म हो गया और बेबलेट बुरी तरह फ्लॉप हुआ। इसके बाद भी बेबलेट के ऑडियंस को लगा कि फिर से बेबलेट पुरानी टाइसन वाली स्टोरी पे आएगी, लेकिन उन सब ने और मैंने गलत सोचा और उसके बाद बेबलेट कभी नहीं आया। तो दोस्तों, मुझे यकीन है कि बेबलेट की इस दुख भरी स्टोरी पे आप थोड़ा सा तो इमोशनल हुए ही होंगे। अगर आप चाहते हैं कि बेबलेट फिर से आए, फिर से अपने इंडिया में वही क्रेज के साथ चले, तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोग को शेयर करो और कमेंट सेक्शन में बेबलेट वापस आए ऐसा लिखकर कमेंट करो। तो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो कर देना लाइक, और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब।
अब इसके आगे मैं कुछ नहीं बोलना चाहता हूँ। मिलते हैं इसके नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।